टुडेज वर्क इज वर्कबुक नंबर 2 पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हम आज करेंगे कर्व। इस तरह से हम कर्व बनाएंगे, 2 डॉट के ऊपर कर्व बनाएंगे हम इस तरह से, इस डॉट को मैच करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कर्व क्या होता है। कर्व इज स्लांटिंग लाइन एंड लिटिल लिटिल कर्व, यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा कर्व। इसकी हमें कर्सिव बनाने में नीड होती है। जब हम कर्सिव बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम ये बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम कर्सिव बना पाएंगे। इस तरह से 2 डॉट को मैच करते हुए आपने बनाना है, ये स्लांटिंग एंड लिटिल कर्व, स्लांटिंग एंड लिटिल कर्व, इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको ये विदाउट डॉट बना के दिखाती हूँ, इस तरह से, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में हम करेंगे हिंदी का वर्क। हिंदी में आज हम कौन सा लेटर सीखेंगे? ख। कौन सा लेटर सीखेंगे? ख। पहले हमने क सीखा था, नेक्स्ट लेटर हम सीखेंगे ख। ख से खरगोश, और क्या होता है ख से? ख से खरबूजा। तो चलिए हम ख लिखना स्टार्ट करते हैं। हम 3 डॉट से इस तरह स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे एंड हाफ कर्व बनाते हुए इस तरह से मिला के यहाँ पर हाफ सर्कल बनाएंगे। ये हमारा बन गया ख। ख से खरगोश एंड ख से खरबूजा। और क्या होता है कैसे? इस तरह आपने स्पीक आउट करते हुए राइट करना है, ख से खटमल। ये बन गया हमारा ख। चलिए एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। ख से खरबूजा, ख से खरगोश, ख से खटमल। इस तरह आपको 6 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में आज हम करेंगे मैथ्स का वर्क। मैथ्स वर्क इज 11 to 20 काउंटिंग। पहले हमने 1 to 10 काउंटिंग की थी, अब हम करेंगे 11 to 20। हमने स्पीक आउट करते हुए राइट करनी होगी, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, एंड 2 0 20। 11 to 20 काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है स्पीक आउट करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।